लवली, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपने चैनल पे लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी। एंड ये वाली ना मटन बिरयानी रेसिपी है, तो फर्स्ट टाइम मैं मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे राइस बॉयल। ऐसा बर्तन जिसमें हम राइस बॉईल करने के लिए रखने वाले हैं, तो हम इसे हाफ पानी से फिल कर लेंगे। उसमें डालेंगे सूखे मसाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, साथ में डालेंगे एक चम्मच ऑयल। उसके बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे भीगे हुए बासमती राइस जिसे मैंने हाफ एन आवर भिगो के रख लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया है। 8 से 10 मिनट में बॉइल होके रेडी हो जाएंगे राइस। और तो मैंने यहाँ पे सारा पानी निकाल दिया है राइस का, और जितने भी मसाले मैंने डाले थे वो भी मैंने उस टाइम पे अलग कर लिए हैं, क्योंकि जब हम बिरयानी खाते हैं तो वो बार बार मुंह में आते हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो मैं इसी स्टेज में उसे अलग करके रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी किया है। एक जार में मैंने लिया लहसुन की कलियां, अदरक, प्याज एंड हरी मिर्च। इसका एक फाइन पेस्ट बना के मैं रेडी कर लूंगी जिसे मैं यूज करने वाली हूँ मैरिनेशन के अंदर। सो ग्राइंड करने के बाद हम मैरिनेशन का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 kg मटन, एंड इसमें हम मसाले डालेंगे जिसमें लाल मिर्च, हरा धनिया, हल्दी, नमक, फ्राई किए हुए अनियंस एंड बिरयानी मसाला जो कि बाहर रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वहां से बाय कर सकते। दही डालेंगे एंड साथ में डालेंगे ये जो रेडी अभी हम लोगों ने पेस्ट किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड यहाँ पे ना मैं कोरिएंडर डालना भूल गई थी तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं नींबू भी इसमें ऐड कर दूंगी। एंड इसको हम लगभग हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने देंगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें इसे पकाना है कुकर में। कुकर में हम डालेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे जीरा, उसे अच्छे से पॉप होने देंगे, उसके बाद थोड़े से प्याज और उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ मटन हम इसमें ऐड कर देंगे एंड साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डिटेल में जो ऐड किए हैं वो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें सीटी लगा देंगे। 6 से 7 सीटी मैंने इसमें लगाई थी एंड उसके बाद मैंने इसे तुरंत ओपन कर लिया था कुकर को। आप देख सकते हो कि मटन पक के अच्छे से रेडी हो गया है एंड अच्छा कलर भी आ गया है। एंड अगर थोड़ी सी कसर रह गई है तो भी इट्स ओके, हम उसे बाद में दम के साथ पकाने वाले हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बड़ी सी हांडी ली है मैंने, मैं सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी। देसी घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो मटन हमने रेडी करके रखा था सब मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। नीचे चिकन की एक लेयर बना दूंगी, उसके बाद हम बनाएंगे चावल की एक लेयर जो हमने पहले बॉईल करके ऑलरेडी रख लिए थे। एंड उसके बाद हम डालेंगे फ्राई अनियंस, कोरिएंडर लीव्स एंड ऊपर से मैं डालूंगी देसी घी, और जो फूड कलर मैंने पहले से रेडी करके रख लिया था वो डालेंगे। एंड इसमें कोल का फ्लेवर देने के लिए हम लेंगे एक गरम, जिसे हम छोटी सी कटोरी में रख के बिरयानी के बीच में थोड़ी सी स्पेस बना के रख देंगे। ऊपर से डालेंगे घी, तो एकदम से जब धुआं निकलने लग जाएगा आप बिरयानी के उसको ढक दो ढक्कन को। एंड उसको दम पे पकाना है हमें अराउंड 10 मिनट के लिए, एकदम धीमी धीमी आंच पे हमें पकाना है इसे ताकि बिरयानी जले ना। एंड यहाँ पे ना मैं केवड़ा बॉटर डालना भूल गई थी तो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा एंड देन हम बिरयानी सर्व करें। आप देख सकते कि बिरयानी में जो राइस है वो इतने खिले खिले बने हैं ना। ये जो मटन बिरयानी की रेसिपी है आप घर में जरूर ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से चिकन बिरयानी की रेसिपी भी ना 2-3 रेसिपीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर आपको वो देखना चाहो तो आप वो भी जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो अब यहाँ पे हम सर्व करेंगे बिरयानी। एंड इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।